प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने चंबा जिला के सलोनी की भांदल पंचायत में मनोहर हत्याकांड को लेकर सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर जुबानी हमला बोला है। अजय राणा ने कहा, प्रदेश के चंबा जिला के सलोनी की भांदल पंचायत में 6 जून को एक दलित हिंदू युवक मनोहर गायब हुआ। 9 जून को 8 टुकड़ों में तरीके से कटी लाश मिली। लाश इस तरीके से कटी गई है कि कमजोर दिल वाला व्यक्ति नहीं देख सकता है। इस हत्याकांड के आरोप वहीं के सुन्नी मुस्लिम परिवार पर लगा है। हालांकि मुस्लिम लड़की से प्रेम करने का एंगल जोर शोर से दिया जा रहा है, जो बहुत लोगों के गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि यह लड़का मनोहर दलित गरीब परिवार से है, जबकि आरोपी करोड़पति है। अजय राणा ने कहा कि मामले में प्रशासन का ढुलमुल रवैया है। यदि लोग आवाज न उठाते तो शायद यह केस भी पहले की तरह इसी क्षेत्र में की गई कई हत्याओं की तरह दब जाना था। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को बयान देने में 8 दिन लग गए हैं और इससे साबित होता है कि यह सरकार गरीब दलितों के लिए कितनी संवेदनशील है। चंबा जिला के सलोनी के एक गांव भांदल में, जहां मनोहर 6 जून को गायब हुआ और उसकी कटी हुई लाश विभत्स रूप में 9 जून को मिली, और जब ये लाश सोशल मीडिया पर मैंने देखी, जो ये वायरल हो रही थी, तो सोशल मीडिया में इतना भयंकर उसका दृश्य था कि 8 हिस्से में वो कटी हुई थी। मैं 2 रात तक सो नहीं पाया, और इसका आरोप एक मुस्लिम सुन्नी जो परिवार है उस पे लगा था। और जब ये आरोप लगा, उसके बाद बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में जोर शोर से एक एंगल देना शुरू किया कि ये जो हत्या हुई है ये प्रेम प्रसंग के चलते हुई है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार का लड़का था, और जो परिवार जिस पे उसकी मृत्यु का आरोप लगा है ये करोड़पति है, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति या करोड़ों रुपए इसके बैंक में जमा होने की सूचना भी बराबर मीडिया में घूम रही है। और गरीब लड़का एक जिसको रोजी रोटी के लाले पड़े हो, वो इस प्रेम प्रसंग में क्यों पड़ेगा, इस पे शक है। और उसकी खचरें जो 2 दिनों से वहीं खड़ी हुई। दूसरा एंगल जो सोशल मीडिया में बराबर दूसरे लोग भी दे रहे हैं कि इसी व्यक्ति के इसी परिवार के कारण जो इसके संबंध आतंकवादियों से थे, सतरुंडी में एक घटना घटित हुई थी, हो सकता है कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हो जो ये लोग उनके आतंकियों से मिले हों, या संदिग्ध लोगों का आना जाना वहां हो, क्योंकि खच्चरों के द्वारा ही मैक्सिमम सामान वहां ढोया जाता है। 10,000 फुट की वो हाइट है, और उस हाइट पे और आदमियों के द्वारा कोई सामान ढोया नहीं जा सकता। और ये भी शक सोशल मीडिया पे लोग लगातार उस पे जाहिर कर रहे हैं, और जिस जघन्य रूप से उसकी लाश मिली है, और बेचारा हो सकता है उसी उसका शिकार वो हुआ हो, इन आरोपियों ने ये एंगल उसको, ये संदिग्ध हो, आतंकवादियों से मिले हो, दूसरे लोगों से मिले हो, उससे बचने के लिए जानबूझ के कुटिल एक आरोप उसके ऊपर मढ़ा हो। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो इससे तो यही प्रतीत होता है, क्योंकि ठंडे नाले में 25 वर्षीय युवक की जो लाश है नाले में दबा के रखी, बोरी में रखी, पत्थरों में दबा के रखी ताकि दुर्गंध ना फैले, यह मानवीय सीमाओं को लांघकर किया गया एक जघन्य अपराध है।